हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। ज्ञानिस बालीजू क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। बच्चों, नीट 2022 के लिए आपकी तैयारियां जोरों पर चल रही होंगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये भी आपको पता है कि इस वर्ष जो न्यूज़ आ चुकी है कि नीट का पेपर समय पर ही होने वाला है। समय पर होने वाले का मतलब है बेटा कि मई के फर्स्ट वीक में, और अगर किसी भी तरह से लेट करेंगे तो मई के लास्ट वीक में जा सकते हैं मैक्सिमम। सो दैट आपकी तैयारी जो चल रही है उस तैयारी में और हम आप कैसे बेहतर कर सकते हैं, या मुझे उसमें और क्या बेहतर करना चाहिए। और जो दो बातें ध्यान रखती हैं, एक आप सेल्फ मोटिवेटेड हैं या आप किसी से मोटिवेशन के बाद तैयारी कर रहे हैं। और अगर आप सेल्फ मोटिवेटेड हैं तो सो फार सो गुड, अगर किसी के मोटिवेशन के साथ या उसके बाद आप तैयारी करने के लिए आए हुए हैं तो समझ लीजिए आपका मोटिवेशनल कंटेंट के साथ साथ एजुकेशनल कंटेंट का होना भी उतना ही जरूरी है। और ज्ञानेश बालाजी क्लासेस में इस चीज़ का विशेष ध्यान दिया गया है कि आपका एजुकेशनल कंटेंट नीट एस्पायरिंग के लिए, बायोलॉजी के लिए ठीक उसी प्रकार का है या नहीं है। तो चलो बच्चों, थोड़ा सा इस पर नज़र डालते हैं। एक छोटे से पॉइंट पर मैं 4 से 5 पॉइंट आपके पास लेकर के आ रहा हूँ। पहला पॉइंट है कि आप नीट की तैयारी के लिए कैसे पढ़ें। जैसे बेटा ये मॉर्फोलॉजी का चैप्टर ओपन है, आपको क्या लगता है पहली चीज़ कि किताब में बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसे मुझे नहीं पढ़ना होता है तो मैं सबसे पहले उसे काट दूँ, क्योंकि बेटा लास्ट समय में हमें मालूम होता है ये चीज़ नहीं आनी है। नहीं का मतलब नहीं, फिर रूट्स। हम यहाँ पर विशेष ध्यान ये देते हैं कि नोट्स प्रॉपरली बनाएं और जो भी चीज़ें आवश्यक हैं या जरूरी हैं नोट्स में, बेटा मैंने उसको क्या किया है आपको बताऊं, मैंने सारे नोट्स को पॉइंट वाइज किया है और कंपेयर करके साइड में मेंशन करने की पूरी कोशिश की है। लाइक दैट आ जाइए आप यहाँ पर, कोई एक एग्जाम्पल ले लीजिए। यहाँ पर ले लीजिए आप एग्जाम्पल कि मैंने राइज ऑफ फोराम के विषय में बताना है, फिगर बेस आपके क्वेश्चन वहीं पर मेंशन किया है और आगे चले गए इनके बारे में सब कुछ मेंशन किया है। जैसे क्वेश्चन यहाँ दिया गया है, एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, व्हाट आर द फीचर्स दैट डिस्टिंग्यूश द स्टेम फ्रॉम द रूट। तो रूट और स्टेम के फीचर्स सेम जगह पर डिस्टिंग्यूश कर दिए गए। पहली चीज बेटा, आपको एनसीईआरटी को लाइन टू लाइन पढ़ना है और उसका तरीका आपके सामने इस प्रकार का होना चाहिए। मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम में मैंने जो विशेष बात दी है एग्जाम्पल बेस दे दिया है, जैसे बेटा 5 एग्जाम्पल्स अंडरग्राउंड स्टेम के अलॉन्ग विथ फिगर्स, 5 एग्जाम्पल एरियल टेंडिल्स क्लाइंबर्स के बेटा, थॉर्न्स के 2 एग्जाम्पल और उसके बाद 2 एग्जाम्पल फिलोक्लेड के। ये एक तरीका है जिससे आप एनसीईआरटी को इस थ्योरी को बहुत आसानी से पढ़ सकते हो, बहुत आसानी मतलब बहुत आसानी से, पहली चीज। लेकिन सेकंड पॉइंट क्या है बेटा, ध्यान रखना है कि क्वेश्चंस तो मैं सॉल्व करूं लेकिन उनके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कहाँ से अवेलेबल होंगे। तो बच्चों, एनसीईआरटी की दोनों किताबों को मिलाकर मैंने एमसीक्यू की एक बुक बनाई है जो ई बुक के फॉर्म में ज्ञानिस बायोलॉजी क्लासेस की ओर से स्कैप एमटी ऐप पर अवेलेबल होती है इन द फॉर्म ऑफ ई बुक। इसकी कीमत 200 रुपये होगी और क्वेश्चन की संख्या लगभग 5,000 है। अक्सर बताता हूँ, हर जगह बताता हूँ, आपको ये फायदा देगा बेटा, चैप्टर 5th के मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में आप क्वेश्चन देख लीजिए, एक वन बाय वन सारे क्वेश्चन लिखे हुए हैं, उनका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। ये तो चैप्टर को पढ़ने के बाद आपको एमसीक्यूज पर जाना है। एमसीक्यूज मैंने कहा लगभग 5,000 क्वेश्चंस इन ओनली 200 रुपीज ई बुक। थर्ड चीज आइए बेटा, अब सवाल होता है क्या विश्वास कैसे करेंगे कि एनसीईआरटी के किताब से ही क्वेश्चंस आते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा बेटा, ये एनसीईआरटी जो इस समय आपके हाथ में है 2006 में पहली बार पब्लिश होकर आई, 2007 में पहली बार ऑल इंडिया पीएमडी सीबीएसई बोर्ड ने से क्वेश्चंस बनाए, 2007 से लेकर के 2021 तक इसी बुक से पेज वाइज लाइन वाइज लगातार क्वेश्चंस आ रहे हैं, जिसका मैंने एक कंप्लीट चॉकआउट किया हुआ है कि किस पेज से कितने क्वेश्चंस हैं। तो नीट के क्वेश्चंस बेटा 2007 से 2020 पेज वाइज क्वेश्चन, यूनिट सेकेंड टोटल क्वेश्चन 155 2020 तक आ चुके थे बेटा,
स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन के चैप्टर 5 से 64 क्वेश्चन हैं, चैप्टर 6 से 53 क्वेश्चन हैं, चैप्टर 7 से 38 क्वेश्चन हैं। और क्वेश्चन कैसे, अगर उसको ध्यान दोगे तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। आइए, पेज नंबर 66 से एक क्वेश्चन आया हुआ है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पेज ओपन करते हैं बुक का बेटा, तब आप पाते हो 67 से बेटा 1, 2, 3, 4 क्वेश्चन हैं। तो और आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पेज पर पहुंचता हूं मैं, बिल्कुल अच्छे से समझना है। फिर पेज नंबर 68 पर आप पहुंच गए बेटा, 1, 2, 3, 4, 5 क्वेश्चन हैं। यानी कहने का मतलब है कि आप PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किस पेज से कितने क्वेश्चन हैं, ये बिल्कुल आपके सामने इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन और पेज भेज दिया है। तीसरी चीज, चौथी चीज जो मैं बहुत ध्यान दिलाना चाहता हूँ आपका, कि अब आपने अभी तरह काम कर लिया हो तो सच में आपको कहाँ जाना चाहिए, अगर थोड़ा सा टेस्ट सीरीज भी जाना चाहिए। तो बच्चों, इस वर्ष मैंने ज्ञानिस वाली क्लासेस में 110 टेस्ट की एक टेस्ट सीरीज शुरू की है, जिसकी वैल्यू मात्र 220 रुपये है। बच्चों, इस टेस्ट में 110 टेस्ट हैं, इस सीरीज में हर टेस्ट में 90 क्वेश्चन हैं, कुल मिलाकर 9900 क्वेश्चंस हैं। 9900 क्वेश्चंस मच हैं, बहुत हैं। हर अल्टरनेट डेज पे हो रहे हैं, चैप्टर वाइज होंगे, यूनिट वाइज होंगे और फुल लेंथ भी होंगे। आइए इस पर देखते हैं, इस टेस्ट सीरीज के अकॉर्डिंग जब मैं बात करूंगा बेटा तो 22 के लेना उससे है बच्चों। 11 अक्टूबर से हमारी लगातार टेस्ट सीरीज रनिंग में है, 220 रुपए के हिसाब से बेटा है 50 टेस्ट 90 क्वेश्चन के, 4500 क्वेश्चन चैप्टर वाइज 38, उसके बाद 10 यूनिट वाइज प्लस 2 बुक वाइज, टोटल 50। फिर विश्वास टेस्ट सीरीज में टोटल 60 टेस्ट हैं। इसकी विशेषता क्या बेटा, प्रत्येक टेस्ट में फुल लेंथ है, हर टेस्ट में 38 क्वेश्चन हैं, ये 38 क्वेश्चन प्रत्येक चैप्टर से एक एक हैं, प्लस 52 क्वेश्चन बचे वो चैप्टर वाइज। यानी यहाँ पर फिर से बेटा आप चैप्टर वाइज के बाउंड क्वेश्चन देखेंगे और पूरी किताब की भी देखेंगे, इसलिए बेटा 38 एंड 52, ये रहा हमारा। और अब अगली बात, इस कड़ी में ये पूरी सीरीज दी हुई है, आप इसको देखिए, ये डेट अनाउंस है, सोमवार, बुधवार, शुक्रवार, मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, हफ्ते में बेटा 3 टेस्ट होने वाले हैं और लगातार हो रहे हैं, और ये पूरी सीरीज हमारी है जिसका शेड्यूल है। अब सवाल आता है, आपने एनसीईआरटी बुक पढ़ी, MCQs लगाए, PYQ लगाए और टेस्ट भी आपने दिए, फिर भी लगता है क्या कहीं कोई कमी रह गई है, कि हमको रैपिड और तेज़ी से मुझे अपने आप को और इम्प्रूव करके आगे जाना चाहिए। यस, तो एक बेटा और बेहतर तरीका आपके पास है, वो है शॉर्ट नोट्स। दिखाई दे रहा है बेटा शॉर्ट नोट्स, शॉर्ट नोट्स मीन्स एनसीईआरटी के पॉइंट्स, बहुत बेहतर तरीके से हैं। आप एक पॉइंट को, किसी भी चीज़ को यहाँ पर आराम सीधे से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, जैसे रूट का है, रेडिकल ऑफ एम्ब्रियो डेवलप इनटू प्राइमरी रूट, रूट सिस्टम ऑफ डाइकॉट प्लांट इज, टैप रूट सिस्टम डेवलप फ्रॉम, रूट सिस्टम ऑफ मोनोकॉट प्लांट इज, फाइब्रस रूट सिस्टम डेवलप फ्रॉम, जो क्वेश्चन अभी 2019 में आया हुआ था, एडवेंचरस रूट डेवलप फ्रॉम। ये शॉर्ट नोट्स है बेटा, बहुत वैल्यूएबल शॉर्ट नोट्स हैं, इनकी कीमत भी ई बुक पे मात्र 200 रुपये है। यानी फर्स्ट एंड सेकंड दोनों बुक की मैं बात कर रहा हूँ, 38 चैप्टर, ये रीजन्स ऑफ द रूट, थिम्बल लाइक, प्रोटेक्ट, टेंडर अपेक्स, इस कार्ड रूट कैप, इस प्रकार से आपका गिव एग्जांपल ऑफ रिस्पायरेटरी रूट, गिव द नेम ऑफ रिस्पायरेटरी रूट, हेडिंग वाइज प्लस क्वेश्चन वाइज, बहुत खूबसूरत हैं बच्चों। ये 5 संस्करण, 5 पार्ट में मैंने कंप्लीट पैकेज आपको अवेलेबल कराया है। फिर से सुन लेंगे, पहला पार्ट क्या था बेटा, एनसीईआरटी को पढ़ना है। सेकंड पार्ट क्या है बच्चों,
MCQs लगाने हैं। थर्ड पॉइंट क्या है बच्चों, PYQs को सॉल्व कर लीजिए। फोर्थ पॉइंट क्या है बच्चों मेरे, टेस्ट दीजिए प्रॉपर। और फिफ्थ पॉइंट क्या है, अगेन एक बार सरसरी निगाह से आप शॉर्ट नोट्स रट डालिए। यू विल श्योर सक्सेस इन विद इन वन ईयर, नहीं मात्र बचे हुए 5 महीने में आपको सफलता मिलने वाली है। 1 वर्ष की बात छोड़िए, मात्र बचे हुए 5 महीने में आपको अभूतपूर्व सफलता मिलने वाली है। अभूतपूर्व को मतलब बिल्कुल विशेष प्रकार से आप सफल होने जा रहे हैं। ओके बेटा, थैंक यू।